हाँ, सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, सड़क दुर्घटना में 3 की मौत, 6 घायल। फिरदौस नगर में अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, टक्कर लगने से 3 की मौत, 6 घायल। अलीगढ़ से खबर, घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घटना, सड़क हादसे में 3 की मौत, 6 लोग घायल। अलीगढ़ से खबर आ रही है, फिरदौस नगर में अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, सड़क दुर्घटना में 3 की मौत, 6 अन्य घायल। फिरदौस नगर में अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच चुका है। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, काफी समझाने पर शांत हुए। पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिरदौस नगर इलाके की घटना है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेकाबू ट्रक ने बाइकों में टक्कर मारी, जिससे 3 की मौत हो गई, 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरदौस नगर की घटना है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अर्जुन देव जुड़ चुके हैं। अर्जुन, क्या है पूरा मामला? गिरफ्तारी हुई है क्या ट्रक चालक की? घटना फिरदौस नगर की है। रास्ते ट्रक जा रहा था, जिसने कि राहत करके लोगों को रोका है, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा भी 1000 को हजारी रुपए का नुकसान हुआ है, और मौके पर पुलिस ने जो ट्रक चालक था वो गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन, ट्रक शहर के अंदर क्या नो एंट्री में तो नहीं था? जी जी, आपको बता दूं, ये बाईपास रोड था फिरदौस नगर का, इसी से होकर ट्रक गुजर रहा था, तेज रफ्तार ट्रक था, जिससे कि रोड के किनारे जो ढकेल लगाते हैं, ढकेल वालों को रोता, मोटरसाइकिल सवार उनको रोता, जो पैदल यात्री जा रहे थे उनको रोता है। इसमें 3 की मौत हो चुकी है, 6 लोग गंभीर घायल। तो ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, कुछ मालूम जानकारी हुई? जी जी, मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ लोग राह चलते हैं, राह चलते, और ये किसी मोहल्ले का आदमी बताया जा रहा है, जो की रोड क्रॉस कर रहा था, सीधा उसके घटना घटी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन, ज्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अर्जुन देव, जो बता रहे थे कि राह चलते लोगों को ट्रक ने टक्कर मारी, एक बाइक को भी टक्कर मारी, तो सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई।